नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एयरटेल डिजिटल टीवी के बारे में ही बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो कि अपने घर पर एयरटेल डिजिटल टीवी का HD सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक फीचर दिया जाता है जो कि है फेवरेट्स का। फेवरेट्स का मतलब यही होता है कि आप अपने मनपसंद चैनलों की लिस्ट को बना सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे चैनल्स होते हैं जिससे हम सबसे अधिक देखना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक चैनल के नंबरों को याद रखना भी कुछ ज्यादा आसान तो है नहीं। इसी स्थिति में हम करते क्या है, फेवरेट चैनल्स की लिस्ट बनाते हैं, यानी कि जो भी हमारे मनपसंद चैनल है या फिर ऐसे चैनल जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, हम देखते हैं उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और जैसे हम फेवरेट बटन रिमोट से दबाएंगे तो वही सभी के सभी लाइन वाइज चैनल आ जाएंगे जिसे हम देखते रहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा, हम सेट टॉप बॉक्स में कैसे करेंगे इस चीज को, फेवरेट चैनल्स की लिस्ट को कैसे बनाएंगे, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। चैनल वाली बराए थे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिल पाए। तो सीधा हम आ चुके हैं अपने एयरटेल डिजिटल टीवी सेट टॉप बॉक्स के पास, और आपको बताएंगे कि हम कैसे जो है अपने एयरटेल डिजिटल टीवी के सेट टॉप बॉक्स में फेवरेट चैनल्स की लिस्ट को बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो है आपको आना होगा सीधा सेटिंग्स में। ऊपर की ओर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है आपको आना है यूजर प्रोफाइल पे, और यूजर प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक्टिव व्यूवर, मैनेज यूजर्स और फेवरेट्स। तो फेवरेट्स लिस्ट पे हम आएंगे और ओके प्रेस करेंगे। फेवरेट्स ऑप्शन पे जैसे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तमाम चैनल्स का जो नाम है वो सामने हाजिर हो जाएंगे जो भी एयरटेल डिजिटल टीवी पे उपलब्ध है। अब इसमें जो भी चैनल आप अपने फेवरेट चैनल लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस पर आपको रिमोट से जो है ओके बटन दबाना होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है किसी भी एक सिंगल चैनल को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एयरटेल एंटरटेनमेंट का एक चैनल है जिसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाएंगे आपको। तो सिंपली इसको हमने फेवरेट चैनल्स में अगर ऐड करना है तो उस पर रिमोट से ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे हमने रिमोट से ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि हाईलाइट हो चुका है वाइट कलर में, यानी कि ये जो चैनल है वो हमारे फेवरेट चैनल्स की लिस्ट में ऐड होने के लिए तैयार हो चुका है। और सिंपली अगर आप इसको डीसेलेक्ट करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि गलती से आपने सेलेक्ट कर दिया और दूसरे चैनल को ऐड करना चाहते थे, तो एक बार फिर से रिमोट से उसी चैनल पर ओके प्रेस करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो डीसेलेक्ट हो चुका है। तो कुछ इसी तरह से जो है आप लिस्ट को यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एयरटेल एंटरटेनमेंट चैनल को ऐड करके दिखाया, इसी के साथ एक और चैनल है एयरटेल स्पेशल ऑफर्स, इसे भी मैं फेवरेट चैनल लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उस पर भी ओके प्रेस कर दूंगा रिमोट से और वो भी मेरा सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह से आपको भी अपने मनपसंद चैनलों को सिलेक्ट करना है जो भी आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, और वो तमाम चैनल आपके जो है फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये सब कुछ जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, रिमोट से एक आपको बैक बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे आप प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ही आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या वाकई में जो चैनल आपने ऐड किए हैं इसे आप फेवरेट चैनल्स लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो जी हाँ, हम करना चाहते हैं। तो हम सिंपली रिमोट से यस पर ओके प्रेस कर देंगे। जैसे हम ओके पर प्रेस करेंगे तो वो जो चैनल्स हैं वो हमारी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। आपका काम जो है छोटा सा हो गया है, आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद रिमोट में आपको FAV यानी कि फेवरेट बटन दिखाई देगा, उसे प्रेस करना है। करना कुछ नहीं है, रिमोट से FAV बटन पे यानी कि फेवरेट बटन पे क्लिक करना है। ओके प्रेस करते ही यहाँ पर आपको पूछेगा फेवरेट मोड ऑन को आपने ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर इसे ऑन करेंगे तो आप फेवरेट चैनल की लिस्ट को देख पाएंगे, नहीं तो इसे आप ऑफ कर दीजिए। अब हमें फेवरेट चैनल्स की लिस्ट को देखना है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेवरेट मोड को यहाँ पर ऑन करेंगे। राइट एरो से या लेफ्ट एरो से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमने ऑन किया और हमारी जो लिस्ट है वो व्यूवर वन में ऐड हुई थी, तो हम सिंपली रिमोट से ओके बटन दबाएंगे और ये सेव हो जाएगी। अब सेव हो जाने के बाद आपको जो है रिमोट में CH का बटन है जो कि प्लस माइनस के साथ दिख रहा है, उसी से आप चैनल को चेंज करेंगे। जैसे आप चैनल को चेंज करेंगे तो जो भी तमाम चैनल्स आपने लिस्ट में ऐड किए थे फेवरेट्स की, वो आपके यहाँ पर देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप सामने देख सकते हो कि साथ में हमारा जो है हार्ट बन के आ रहा है, यानी कि जो चैनल हमने ऐड किए थे फेवरेट की लिस्ट में वो हमारे लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो कुछ इसी तरह से जो है हम अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स में फेवरेट चैनल्स की लिस्ट को बना के चला सकते हैं, देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको वापस से उन्हीं चैनल्स पर जाना है जो कि आप पहले देख रहे थे, तो उसके लिए आप रिमोट से FAV बटन दोबारा दबाएंगे और फेवरेट मोड को ऑन की जगह ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद रिमोट से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपके जो तमाम चैनल्स हैं वो लिस्ट से फेवरेट लिस्ट से बाहर आ जाएंगे और आप जो है एक बार फिर से उन्हीं चैनलों को देख पाएंगे जो आप नॉर्मली देखते आ रहे हैं। देख सकते हो सारे चैनलों की लिस्ट जो है वो आ चुकी है।